हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MND किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं लेमन राइस, कोरिएंडर राइस एंड तिल की चटनी। ये कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है और उसके साथ ही हम बनाएंगे आलू जीरा। आइए देखिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लग रहे हैं हमें। लेमन लेना है हमें, मैंने इसमें 2 लेमन लिया है। आपको और खट्टा चाहिए तो आप 3 लेमन ले सकते हैं और 1 बाउल राइस। लेमन को स्क्वीज़ किया हुआ लिक्विड, उसके अंदर हम डाल रहे हैं हींग एंड हल्दी, उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। उसके बाद एक सेपरेट फ्राइंग पैन लीजिए और उसमें काजू डाल दीजिए, थोड़ा फ्राई करके अलग से रख दीजिए। उसके बाद फ्राइंग पैन में अलग से ऑयल ले लीजिए, उसके साथ मोरी, उड़ीद दाल और हरभरा दाल, इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए। उसके ऊपर से आप कड़ी पत्ता डालिए और ये रेड चिली, और थोड़ी देर बॉईल करने के बाद उसको ऑफ कर दीजिए, गैस को ऑफ कर दीजिए। ऊपर से स्क्वीज़ किया हुआ लेमन डाल दीजिएगा। जो तड़का हम लोगों ने किया है उसे बाउल राइस में डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद ऊपर से काजू डाल दीजिए, प्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा। हमारा लेमन राइस रेडी। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम कैसे बनाई जाती है तिल की चटनी। एक फ्राइंग पैन ले लेंगे, उसमें हम तिल डाल देंगे। तिल को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, जैसे ही कड़कड़ आवाज़ आ जाए उसे हम साइड में निकाल के रख देंगे, थोड़ा ठंडा होने देंगे। जैसे ही ठंडा हो जाए हम एक मिक्सर का बाउल ले लेंगे, उसमें ठंडा हुआ तिल डाल देंगे और उसके साथ ही साथ इमली डाल देंगे। फिर हम डालेंगे 3 लहसुन और रेड चिली ऐड कर देंगे उसमें। साथ ही साथ हम ऐड करेंगे उसमें कोकोनट और थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अच्छी तरह से ग्राइंड होने के बाद वो अच्छा हमारे तिल की चटनी रेडी हो गई। आइए नेक्स्ट हम बनाने जा रहे हैं कोरिएंडर राइस। मिक्सर के बाउल में हम ले लेंगे कोकोनट, 4 हरी मिर्च, लहसुन और कोरिएंडर। इसका हम ग्राइंड करके अच्छी तरह से पेस्ट कर लेंगे इसका और रेडी रखेंगे। एक अलग से फ्राइंग पैन में ऑयल डाल के मोरी डाल देंगे। मोरी के बाद हम डालेंगे हरभरा दाल इसमें और अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद जो हमने पेस्ट किया है वो उसे इसमें मिक्स कर देंगे और अच्छी 5 मिनट उसे अच्छी तरह से मिक्स करके बॉईल कर दीजिएगा ताकि अच्छी तरह से पेस्ट जम जाए। और फिर हमने जो बाउल में राइस लिया है, 1 बाउल राइस, वो हम इसे इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद सॉल्ट डाल दीजिए। सॉल्ट डालने के बाद ये हो गया हमारा कोरिएंडर राइस रेडी। लिड लगा दीजिए। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके कॉम्बिनेशन में आलू जीरा। एक फ्राइंग पैन ले लीजिए और ऑयल डाल के उसके अंदर मोरी डाल दीजिए। जैसे ही मोरी की आवाज़ आने लग जाए उसके साथ हम जीरा डाल देंगे। जीरा अच्छी तरह से फ्राई होने के बाद ऑनियन डाल देंगे। ऑनियन को उसके साथ कड़ी पत्ता डाल देंगे। ऑनियन को अच्छी तरह से गोल्डन फ्राई कर लीजिए। उसके बाद हल्दी डाल देंगे, चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर और आलू, उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। मिक्स होते ही देखिए कलर चेंज हो रहा है। ऊपर से सॉल्ट डाल दीजिए। देखिए हमारा परफेक्ट आलू जीरा रेडी।